क्यों कर रहे हो आप इतने जल्दी क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या तरीका ये क्या बात कर रहे हो बात होगी मैं चैम्बर में बुला लीजिए बढ़िया आ रहे Thank you.
सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसानों के नाम पर आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में किसान आंदोलन के नाम से जिस तरह असामाजिक तत्व स्थान स्थान पर जाकर बैठे हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कल जब सारी गाड़ियां निकल रही थी तो हमारे राजस्थान के नेता और भामा साहब प्रेम सिंह जी बाजौर की गाड़ी उन्होंने जानबूझ कर रोकी। मैंने जब उनसे कल शाम को बात की तो उन्होंने कहा कि गाड़ी केवल मेरी रोकी और पहले ये कहा कि बीजेपी गो बैक। तो बंधुओं, ये केवल हमारे प्रेम सिंह जी अपमान नहीं हुआ, ये पूरे देश की इस पार्टी के गिरबान गिरा डाला। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, करोड़ों जिनके कार्यकर्ता है उनके गले पे हाथ डालने का प्रयास किया। ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान अपने अपने क्षेत्रों में है, ये सारे वहाँ सामाजिक तत्व बैठे हैं और एक जान बूझ कर दिया गया किसान इसमें भी शामिल है। हमारे किसान आज भी हजारों साथ खड़े रहेंगे क्योंकि प्रेम सिंह जी ने किसानों और मजदूरों और गरीबों के लिए रात दिन काम किया। उनके साथ जो घटना हुई है ये एक साजिश हुई है और ये सरकार कांग्रेस की सरकार इसमें निश्चित रूप से शामिल है, कांग्रेस के लोग वहां शामिल है। इसलिए हमारा आह्वान भी है और सरकार से मांग भी है कि अविलंब इन सारे अपराधियों को सिक्तों के पीछे डाले, ऐसा नहीं किया तो सीकर में पूरे राजस्थान में नीट की ईंट बजा देंगे, हम बता देंगे कि लोग सरकार कैसे चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस माता की जय। प्रेम सिंह जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रेम सिंह जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वैसे सारी बातें जिला कार्यालय में जहां से हम रवाना हुए थे वहां हो चुकी हैं, फिर भी यहां कांग्रेस सरकार के इशारों पर नाचने वाला प्रशासन यहां बैठा हुआ है और हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं, ना हम यहाँ किसी बिल की चर्चा करना चाहते, ना किसी और चीज की चर्चा करना चाहते, लेकिन हम लोग यहाँ इस चेतावनी देने के लिए आए हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत परिवार है, ये किसी खानदान का नाम लेकर वोट लेने वाली पार्टी नहीं है, ये लोगों की तपस्या से बनी हुई पार्टी है। ये एक परिवार है और इस परिवार के किसी भी सदस्य के गिरीबान को पकड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उस हाथ को हम पकड़ेंगे और उस हाथ को हम रोकेंगे। ये कोशिश, ये किसानों का नाम लगाना या किसी और का नाम लगाना नहीं चाहते, ये सीधी सीधी जो गुस्ताखी है ये कांग्रेस की है। याद करना चाहिए सबको, दो चार दिन पहले एक नौटंकी की थी जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के मंत्री विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सिविल लाइंस फाटक पर, डोटासरा जी और बाकी मंत्री धक्के खा रहे थे, पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा डरते डरते पीछे धकेल रहे थे, बड़ी गजब की नौटंकी चल रही थी। उसी सभा में कांग्रेस युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक जी, उन्होंने उसमें मोदी जी के बारे में अमित शाह जी के बारे में अपशब्द कहे, असंसदीय भाषा उन्होंने काम में ली और वहां उन्होंने इस तरह की भाषा बोली जिसको हम दोहरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
लेना चाहते हैं अशोक गहलोत जी, वो शिक्षा राजस्थान में बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। बंगाल में ममता दीदी ने जो ट्रेंड चलाया है कि हारने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा की जाए, तो कांग्रेस को याद रखना चाहिए पूरे भारत में हारी हुई है, केवल दो स्टेट में बची है, कल को यहाँ भी नहीं बचेगी। ये जो बीज आप बो रहे हैं, इनकी फसल कल आपको काटनी भी पड़ सकती है। इसलिए पुणे पुणे ये प्रशासन सुने, पुणे पुणे यहाँ जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सुने कि भाजपा पार्टी के, भाजपा परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति कहीं भी करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब एक के लिए और एक सब के लिए इसमें विश्वास करने वाली पार्टी है। जय हिंद। गोवर्धन जी यहाँ हमारे साथ हैं, ये सारे लोग सामान्य अरे चैंबर में आ रहे हैं आप, सुनो कौन सी जगह दिखा दे रहे हो, मैच की दे रहे हो आप, अरे सुन रहे हैं, अरे सुन रहे हैं, दिल्ली जी की दे दिया, अरे बार से ज्यादा जानता है ठीक है, एक बार फिर मेरी थोड़ा सा, अरे 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 जी बैठे, अरे आ जाओ चलो उधर ही चलो, अरे चैंबर में आ रहे हैं, अरे गर्मी भी है, अरे 3 मिनट में आ रहे हैं, कल शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान के भामाशाह सम्मान्य प्रेम सिंह जी बाजोर पर जिस प्रकार की घटना किसानों की आड़ लेकर राजनीतिक पार्टियों ने की है, उस घटना की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश है कि रात्रि को जब घटना की जानकारी देर रात आई, घटना की जानकारी के बाद सब स्फूर्त रूप से सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर के कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया कि हम इस राजस्थान की सरकार को 7 दिन का समय देते हैं, यदि 7 दिन में इस घटना में शामिल लोग और इस घटना को कारित कराने का षड्यंत्र रचने वाले लोग दोनों पक्षों को यदि गिरफ्तार 7 दिन में नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन सिक्कर की धरती से शुरुआत होकर पूरे राजस्थान में चलेगा। ये सरकार अपना कान खोल करके सुन ले, यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो कानून व्यवस्था में फैल ये सरकार, अब तो यहाँ विधायक, पूर्व विधायक और आम जन भी सुरक्षित नहीं बचा है। जिन पंडालों में किसानों के नाम पर जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने ये घटना निसंदेह बहुत निंदनीय की है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।